बेटे के हैं, एक ऐसे बेटे जिसने भारत माता को सुरक्षित रखने की कसम खाई थी, फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा करने का फैसला लिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि अपने ही देश में उसे ऐसा दिन देखना पड़ेगा, सालों पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसी पिता को मौत के घाट उतार देंगे और घर की महिलाओं के साथ मारपीट करेंगे। इस घटना के बाद सैनिक इतना टूट गया है कि अब उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। जिस सैनिक की फौलादी हिम्मत के सामने दुश्मन थर थर कांपते थे, आज वही सैनिक ये कह रहा है कि मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया तो उस देश की रक्षा कैसे कर पाऊंगा। बाद में अपना पिता खो दिया, इस चीज का हमें बहुत गर्व है। मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया, हमें बहुत दुख है, मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया तो मैं देश के लिए क्या करूँ। ये सनसनीखेज मामला यूपी के अमेठी का है, जहां सेना के एक जवान के पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है और भाभी के साथ भी मारपीट की जाती है। सेना के जवान ने हत्या का आरोप अपने पड़ोसी पर लगाया है। पुलिस ने भी इस मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है। जब मैं अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता तो मैं किसकी रक्षा कर सकता हूँ। अब जानिए पूरा मामला क्या था। दरअसल जवान के पिता अपने घर की मरम्मत करवा रहे थे। घर को ठीक करवाते वक्त पड़ोसी छत पर आए और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना ज्यादा हो गया कि पड़ोसी ने बिना रुके उन पर हमला शुरू कर दिया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, जवान के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी ने सैनिक की भाभी समेत घर की दूसरी महिलाओं के साथ भी मारपीट की है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि यूपी में जवानों के परिवार के साथ ऐसा हुआ है। इससे पहले भी एक जवान का ऑडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वो योगी सरकार से गुहार लगा रहा था कि उसकी जमीन को कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और प्रशासन की तरफ से कोई मदद भी नहीं मिल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि पूरे देश की सुरक्षा करने वाले परिवार की सुरक्षा आखिर कौन करेगा। इस खबर में इतना, बने रहे हमारे साथ। This is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.